नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। कंटिन्यू क्लासें जो चल रही हैं, अपन ने काल मार्क्स देखा था। काल मार्क्स के अंदर अपन ने ये देखा कि काल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार के अंदर और इनके पिता प्रसिद्ध क्या थे, एक वकील थे। कहाँ पर, जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ। लेकिन आगे चल करके इन्होंने जेनी के साथ में विवाह किया। उसके बाद में इन्होंने कुछ ऐसे लेख लिखे जिन लेखों की वजह से इन्हें देश निकाला घोषित कर दिया जाता है और ये जर्मनी को छोड़ करके और फिर कहाँ आए थे, इंग्लैंड के अंदर आ गए। और इंग्लैंड में एक एंगल्स नाम का व्यक्ति इनको मिलता है जिससे इनकी बढ़िया मित्रता और ऐसे पारिवारिक संबंध हो जाते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये वहाँ रहता है। और फिर ये तो हमें पता है कि भाई इनके पास इस प्रकार का कोई पैसा नहीं था, न इनके पास ऐसा कोई रोजगार था। इनके पास सिर्फ अपनी लेखन कला थी। क्या थी? लेखन कला थी। और उस लेखन कला के कारण ही ये अपना पालन पोषण कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं रची हैं जिनके अपन नाम ऐड करेंगे, लिखेंगे। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और कौन कौन सी हैं वो देखिए। अब काल मार्क्स जो है, इसकी जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है या इसके जो सिद्धांत हैं, उसको अपन क्या कह सकते हैं, मार्क्सवाद। क्या नाम दे सकते हैं उन्हें? मार्क्सवाद नाम दे सकते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं, मार्क्स की प्रमुख रचनाएं टॉपिक डालेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से अपन को लिखना पड़ेगा मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। ये अपन ने लिख लिया कि मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। अब उसमें देखिए, उसमें पहली जो रचना है उनकी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये 1844 के अंदर उन्होंने लिखी। भाई क्या, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कब लिखा उन्होंने? 1844 के अंदर लिखा। दूसरी उनकी जो पुस्तक थी, उनकी जो रचनाएं थी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनुस्क्रिप्ट्स, ये भी 1844 में लिखी उन्होंने। सेकंड नाम क्या लिखेंगे अपन? द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनुस्क्रिप्ट्स, और ये 1844 के अंदर। थर्ड जो बुक थी इनकी वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये लिखा इन्होंने। नंबर चार पर अपन लिखेंगे क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 के अंदर, 1848 में इन्होंने लिखी। नंबर फोर पे क्या लिखा हुआ इन्होंने? क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये कब लिखा? ये 1848 में लिखा। नंबर फाइव में अपन लिखेंगे क्या? द क्रिटिक्यूज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये कब लिखा? ये 1859 के अंदर लिखा। वही 1859, 1859 के अंदर। क्या? द क्रिटिक्यूज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये कब? 1859। नेक्स्ट इनकी जो रचना है वो क्या है? वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, कीमत जो है वो और उसका जो लाभ है, ये कब लिखा? ये 1865 के अंदर, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865। फिर उनकी एक बुक थी जो बड़ी फेमस थी और अपन उसको पढ़ते भी हैं, स्टडी भी करते हैं और कई बार उसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कंपटीशनों के अंदर। कौन सी? दास कैपिटल। कौन सी थी? दास कैपिटल। तो उसके अंदर कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट, कैपिटल के अंदर वॉल्यूम फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट जो उन्होंने लिखा वो
1867 में 1867 1867 के अंदर फिर उसी का पार्ट सेकंड यानी वॉल्यूम सेकंड कैपिटल वॉल्यूम सेकंड ये 1885 1885 के अंदर 1885 में और ये 1885 सन याद आते ही कुछ याद आया। हाँ क्या अपने भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी स्थापना हुई थी कब 1885 में। तो कैपिटल वॉल्यूम सेकंड ये 1885 के अंदर कैपिटल वॉल्यूम थर्ड ये उन्होंने लिखा 1894 के अंदर। तो ये तीन खंडों के अंदर है उनकी ये जो दास कैपिटल उन्होंने जो लिखा है ये कितने खंडों में ये तीन खंडों के अंदर है। एक वॉल्यूम फर्स्ट ये 1867 वॉल्यूम सेकंड ये 1885 वॉल्यूम थर्ड ये 1894 के अंदर है। उसके बाद उन्होंने लिखा नंबर 8 के ऊपर देखिए भाई द सिविल वार इन फ्रांस द सिविल वार इन फ्रांस और ये कब लिखा ये 1871 के अंदर कब लिखा था उन्होंने 1871 में। नेक्स्ट इनकी जो रचना है वो है द गोटा प्रोग्राम 1875 द गोटा प्रोग्राम 1875 यानी 1875 में उन्होंने लिखा द गोटा प्रोग्राम। ये उनकी प्रमुख कुछ क्या है रचनाएं हैं। इसके बावजूद भी ये रचनाएं जो हैं इनके बावजूद भी एंगल्स जो उनका मित्र था एंगल्स जो उनका बड़ा ही मित्र अच्छा सखा उसके साथ मिलकर के इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी और कौन कौन सी पहली लिखी उन्होंने पवित्र परिवार। क्या लिखा पवित्र परिवार द होली फैमिली पवित्र परिवार द होली फैमिली। उन्होंने लिखा जर्मन विचारधारा उनके साथ मिलकर के इनके साथ एंगल्स के साथ मिलकर के इन्होंने पवित्र परिवार लिखा जर्मन विचारधारा और साम्यवादी घोषणा पत्र ये तीन जो रचनाएं हैं ये किसके साथ मिलकर के एंगल्स के साथ मिलकर के मार्क्स इनकी क्या करता है रचना करता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछता है वो छोटे क्वेश्चन उसमें ये बनेगा कि भाई मार्क्स ने या कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी उनके नाम लिखिए। दो नंबर का क्वेश्चन जिसमें अपने को ये बिल्कुल कि उन्होंने क्या लिखा पवित्र परिवार द होली फैमिली और जर्मन विचारधारा और बाद में साम्यवादी घोषणा पत्र ये अपने को याद करना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बनेगा भाई कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत है उनके उसे मार्क्सवाद इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रचनाओं में एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से किसी तीन के या चार के नाम लिखिए आप और ये कितनी है 9 है 9 में से अपने को ये याद करनी पड़ेगी। इनका अपन ट्रांसलेट हिंदी के अंदर भी कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि एंगल्स के साथ मिलकर के मार्क्स ने कौन सी रचनाएं की लिखिए। तो तीन है कौन कौन सी है पवित्र परिवार है जर्मन विचारधारा है और साम्यवादी घोषणा पत्र है। तो ये उनकी प्रमुख क्या थी रचनाएं थी। अब इनके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए इनके द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें अपन नोट करेंगे लिखेंगे। इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है मार्क्सवाद कहलाता है। जिस प्रकार से गांधी जी ने जो विचार दिए वो क्या कहलाया गांधीवाद कहलाया उसी प्रकार से इन्होंने भी जो विचार दिए वो क्या कहलाया मार्क्सवाद कहलाया। और सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत सिद्धांत और सिद्धांत है इनके चार कितने हैं चार हैं सिद्धांत
और चारों सिद्धांतों में से लगभग लगभग हर ईयर एग्जाम के अंदर दो पूछता ही है, वो दो में से एक अपने को राइट करना पड़ता है, एक अथवा में आएगा एक में आएगा। चार है, चार में से दो तो अपने को कन्फर्म ही याद करने पड़ेंगे, जो हर बार लगभग एग्जाम के अंदर वो पूछता है। पहला जो सिद्धांत है वो है द्वंद्वात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये दो वर्ड है भाई इसके अंदर, कितने वर्ड है? दो वर्ड है, दो शब्द है इसके अंदर। ये कौन कौन सा? द्वंद्वात्मक अलग है, भौतिकवाद अलग है। द्वंद्वात्मक यानी कि दो विचारों का जहां टकराना, द्वंद उत्पन्न होना द्वंद्वात्मक, और भौतिकवाद जो फिजिकल से लिया गया है, जो प्राकृतिक है उसके अंदर। तो पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सेकंड, दूसरा जो इनका सिद्धांत है सेकंड, वो है इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। हाँ, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, समझाइए। मार्क्स का इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या लिखिए। नंबर तीन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया? मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। नंबर चार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये चार सिद्धांत उन्होंने दिए भाई। कौन कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद में उन्होंने इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या की उन्होंने, और उसके बाद में एक सिद्धांत उन्होंने दिया क्या? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये उनका फेमस नारा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया उन्होंने। फिर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ को कार्य करने वाला है, कोई कर्मचारी है, वो कर्मचारी मान लीजिए उस कर्मचारी को अपन उसका सौ रुपये पर डे का वेतन अपन मांग सकते हैं। कितना? 100 रुपये पर डे का वेतन अपन मांग सकते हैं। अब ये जो 100 रुपये का उसका पर डे का वेतन है, वो कार्य मान लीजिए कार्य जो है वो कितने घंटे कर रहा है? 8 घंटे कर रहा है। कितने घंटे कर रहा है? 8 घंटे कर रहा है। लेकिन उसने 100 रुपये का कार्य तो मात्र कितने 3 या 4 घंटे में कर दिया, उसने 3 या 4 घंटे में कार्य कर दिया। बाकी का जिस समय उसने कार्य किया है 3 या 4 के अलावा 8 घंटे कार्य कर रहा है, बाकी का जो समय कार्य उसने किया है उसका जो अब अतिरिक्त मूल्य जो बच गया वो एक मजदूर की जेब में नया करके किसकी जेब में जाएगा? हाँ, कंपनी मालिक की जेब में। तो ये ही क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अब इनके सिद्धांत चलेंगे और एक एक सिद्धांत को अपने को क्या करना है? क्लियर करना है। तो भाई द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है ये इसके अंदर मुख्य दो शब्द है, कौन कौन से? द्वंद्वात्मक है और भौतिकवाद है। अब ये उन्होंने एक हिगल है भाई विचारक, हिगल एक विचारक है, और उस हिगल की पद्धति से इन्होंने क्या लिया है? द्वंद्वात्मक लिया है। क्या लिया है? द्वंद्वात्मक और एक भौतिकवाद,
भौतिकवाद जो है, ये भौतिकवाद उन्होंने फायरबाख क्या नाम है, फायरबाख है, फायरबाख उनकी पद्धति से लिया है। क्या? भौतिकवाद। भौतिकवाद तो फायरबाख के जो सिद्धांत है या उनकी पद्धति है उससे इन्होंने लिया है, अटैच किया है। और द्वंद्वात्मक जो है, ये द्वंद्वात्मक उन्होंने हेगल के द्वारा प्रतिपादित या कोई एक पद्धति है जिससे इन्होंने लिया है। इसमें क्या होता है कि एक वाद होता है, एक प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। क्या होता है? संवाद। तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद ये चलते हैं। मान लीजिए जैसे इन्होंने मार्क्स ने बताया कि एक गेहूं का पौधा है। क्या है? एक गेहूं का पौधा है। और गेहूं का पौधा जैसे ही अपन ने बीज डाला किसके अंदर, खेत के अंदर, वो बेचारा क्या होगा, मरेगा, नष्ट होगा। तो ये क्या हो गया? वाद हो गया। ये क्या हुआ? वाद। उसने समर्पण कर दिया वहां पर, लेकिन उसके बाद क्या बना? उसका पौधा बना। क्या बना? पौधा बना, वृक्ष को बढ़ा होगा। ये क्या हो गया? प्रतिवाद हो गया। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाली आएगी। भाई गेहूं की क्या आएगी? बाली आएगी। और फिर वो एक दिन सूख करके क्या, नष्ट हो जाता है। और अपन लावणी वगैरह करते हैं और फिर गेहूं निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? उसका संवाद। तो वाद प्रतिवाद और संवाद ये हेगल की एक पद्धति है। कौन सी? द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक हेगल की पद्धति है जिसके अंदर वाद प्रतिवाद संवाद ये है। और हेगल के विपरीत, हेगल ने जो बताया है उसके विपरीत, जैसे हेगल ये कहता है कि भाई सिर से पैरों की ओर, लेकिन मार्क्स ये कहता है कि नहीं, पैरों से सिर की ओर, मतलब इसका विपरीत, इसका उल्टा बताया उन्होंने। तो ये वाद प्रतिवाद और संवाद, तो ये इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स के जो सिद्धांत है ना, ये चार जो सिद्धांत है, ये अपने को चारों मुख्य रूप से इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, अपने को अध्ययन करना पड़ेगा और एक एक को क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से भी एक क्वेश्चन इनमें से पुटअप बिल्कुल करना पड़ेगा। और छोटे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया कि एंगल्स के साथ मिलकर के जैसे उन्होंने कौन सी रचनाएं रची हैं, तो ये इस प्रकार से, या इनकी रचनाएं प्रमुख कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। तो इस प्रकार से वो अपने से छोटे क्वेश्चन भी पूछेगा। बट लेकिन ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो हर हाल के अंदर मार्क्स का पूछता ही पूछता है। वो अपने को ये क्लियर करने हैं जो टाइम टू टाइम।